वेल गाइस, तो फाइनली WWE मनी इन द बैंक पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइस, यहां पर आज पेपर व्यू के ऊपर हमें ऑर्गुली WWE के टू ऑफ द बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर सेट रॉलिंस और फिन बैलर आमने सामने देखने को मिले। जहां पर WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर सेट रॉलिंस WWE का अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप फिन बैलर के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस, यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज हमें बैक एंड फोर्थ जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर फिन बैलर उनके हाइट और फिन बैलर उनके हाई फ्लाइंग मूव्स को शो कर रहे थे। तो गाइस, यही इस मैच के अंदर सेट रॉलिंस हमें उनका आइकॉनिक बेबी फेस रन करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, यहां पर आज इस मैच के अंदर फिन बैलर की तरफ से हमें स्लिंग ब्लेड देखने को मिलता है। तो गाइस, यही सेट रॉलिंस की तरफ से हमें काउंटर सुपर किक और बकल बंप देखने को मिलता है। और गाइस, यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर फिन बैलर यहां पर उनका फिनिशर कूप डी ग्रेस हिट करने वाले होते गए। बट गाइस, यहां पर सडनली सेट रॉलिंस पहले किक हिट कर देते गए। और गाइस, इसके बाद सेट रॉलिंस मैच को नहीं वाले होते गए। तभी सडनली डेमियन प्रिस्ट उनके मनी इन द बैंक को लेकर आ जाते गए। और गाइस, यहां पर डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक को लेकर आने के बाद सेट रॉलिंस यहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते गए, जिसका फायदा उठा के फिन बैलर रॉलिंस के ऊपर ड्रॉप किक हिट कर देते गए। और गाइस, इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर फिन बैलर यहां पर उनका फिनिशर हिट करने वाले होते गए। बट गाइस, तभी सडनली सेट रॉलिंस हटकर उनका कर्ब स्टॉर्म हिट कर देते गए। और गाइस, सेट रॉलिंस के कर्ब स्टॉर्म के साथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस, सेट रॉलिंस रिटेन करते हैं WWE का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप।